नमस्कार, जय सीएलसी, जय केवीएम। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा सीएलसी की अपनी स्कूल केवीएम कृष्णा विद्या मंदिर के बारे में। राजस्थान का श्रेष्ठ स्कूल, दी बेस्ट स्कूल। तो आप कहोगे साहब दी बेस्ट कैसे हुआ, तो आओ दी बेस्ट की कहानी आपको बताते हैं। रिजल्ट क्या है 2024 का और 22 से 23 में क्या इंप्रूवमेंट किया, 23 से 24 में क्या इंप्रूवमेंट किया। तो यदि आपको राजस्थान बोर्ड की एक अच्छी स्कूल की तलाश है, साइंस में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ये तलाश हम आपकी पूरी करते हैं कृष्णा विद्या मंदिर में, केवीएम में। आओ बात करें रिजल्ट की। दोस्तों पहले बात करते हैं टॉप रिजल्ट की। 12th साइंस में हमारी बेटी श्रेयांशी त्रिपाठी ने 500 में से 498 का स्कोर करके राजस्थान में थर्ड रैंक बनाई। और एक ऐसा एग्जाम्पल और है, एक कुमकुम नाम की बिटिया जिसका 10th का स्कोर मात्र 73% है, 12th साइंस का स्कोर है 98.2। हर असंभव को संभव करने का नाम केवीएम है। अब आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स में हमारा पहला बैच अक्षिता शर्मा, दोसा की लाडली बेटी ने 500 में से 496 का स्कोर लेके राजस्थान स्टेट को फर्स्ट रैंक दी। और साहब एक बात कहना चाहूंगा, इसके सब्जेक्ट पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हैं, उनके बावजूद ये लड़की 496 का स्कोर लेके आई है। अब 10th पे आते हैं। 10th में जहां हमने 4 स्टेट मेरिट दी है, हमारा बेटा देवी सिंह कविया जोधपुर का, जिसने 600 में से 595 का स्कोर लेके राजस्थान स्टेट में फोर्थ रैंक दी है। हर्षवर्धन 593 के साथ 6 रैंक पे है। हम राहुल पनिक 591 के साथ 8वें रैंक पे है। शुभम जांगिड 590 के साथ 9वें रैंक पे, यानी 4, 6, 8, 9 4 स्टेट रैंक 10th में है। थर्ड स्टेट रैंक साइंस का है, फर्स्ट स्टेट रैंक आर्ट्स का है। एग्रीकल्चर का हमारा इस बार पहली बार 2025 में 12th का बैच आएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने कहा केवीएम राजस्थान का श्रेष्ठ स्कूल है। एक और भी असंभव घटना घटित हुई, हमारा 10th का हिमांशु लील जो 2023 में इसके मैथ में मात्र 22 नंबर आए और एक तरह से कैसे फेल हो गया, हमारे बाजिया जी की मोटिवेशन से उसने वापस 10th किया और आज इस बच्चे का स्कोर है 96.5। साहब इस असंभव को संभव करने का नाम भी केवीएम है। सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, मिट्टी से हीरा बनाने कला किसी टीम को आती है, उसका नाम टीम सीएलसी है, टीम केवीएम है। ये बात हुई टॉप रिजल्ट्स की। दोस्तों अब स्लाइड के माध्यम से आप कंपेयर करें कि 22 से 23 में इंप्रूव कितना हुए, 23 से 24 इंप्रूव कितना हुए। रिजल्ट एक साल में आना बाई चांस हो सकता है, बढ़ता हुआ रिजल्ट की संस्था का आ रहा है तो मान के चलो वहां एक मैनेजमेंट है। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद व्यवस्थाओं की बात भी करेंगे। आओ सब 10th की बात करते हैं। 2022 में 90 से ऊपर हमारे पास 42 बच्चा था, 23 में 51 बच्चा है, इस बार 106 बच्चा था। अबाउ 85%, 22 में 61 बच्चा था, 23 में 101 बच्चा हुआ, आज 178 बच्चा साहब। दोस्तों 2022 में अबाउ 80%, 95 बच्चा था, 23 में 152 बच्चा हुआ, 24 में 244 बच्चा है। ये 10th का रिजल्ट है। अब 12th पे आते हैं। 2022 में अबाउ 90% 71 बच्चा था, 23 में ये बेहतर हुआ, फिर एक ही ग्रोथ हुई, इस बार हमने 114 कर दिया। अबाउ 85% 204 था, फिर 196 हुआ, ये संख्या थोड़ी घटी तो उसको दिखाया गया ईमानदारी से। और अबाउ 85% इस बार 341 बच्चा है। तो आप देखो 196 से वापस जंप देके 341 किया है। अबाउ 80% बात करें तो 22 में 342, फिर 463, आज 667 है। दोस्तों अपने स्कूल का हर तीसरा बच्चा 80% पे होता है, बहुत बड़ी बात है साहब, हर तीसरा बच्चा 80% मार्क्स लेके आता है। अब आर्ट्स की बात करें, जो फर्स्ट रिजल्ट था हमारा, इसमें 90 से ऊपर 6 बच्चे हैं, 85 ऊपर 11 बच्चे हैं, 80 पे ऊपर 20 बच्चे हैं। दोस्तों ये रिजल्ट रहा। अब रिजल्ट बनता कैसे है, इसकी भी कहानियां आपसे शेयर कर लेता हूं। दोस्तों सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बच्चों के साथ काम किया जाता है। सुबह बच्चे क्लास में रहते हैं, फिर शाम को उनका डाउट काउंट होता है, रात को उनका कैंप होता है। सुबह जो साथी पढ़ाते हैं 6 घंटे, शाम को 3 से 5 पूरी टीम रुकती है, बच्चों डाउट बताए जाते हैं, रात को बच्चे खुद बैठ के पढ़ते हैं, उसमें भी हर टीम के लोग मौजूद होते हैं। और बड़े विश्वास से कहता हूँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जो टेस्ट कराने वाली संस्था वो आपकी केवीएम है, वो आपकी कृष्णा विद्या मंदिर है। इसलिए रिजल्ट बाई चांस नहीं है, एक साल में नहीं आया है, ये 22 से बड़ा 23 में, 23 से बड़ा 24 में। और विश्वास है अच्छी प्रतिभाओं को तलाश कर हम तलाशने का काम 25 में इससे बेटर करेंगे। तो एक अपील करना चाहूंगा, एक विश्वास देना चाहूंगा
इस घर के मुखिया के नाते कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स में एक अच्छे स्कूल का तलाश आपको है तो ये तलाश आपकी पूरी करते हैं कृष्णा विद्या मंदिर। आए CLCC कर और अपना एडमिशन ले। इस वीडियो के माध्यम से मेरी दो स्कूल और भी उनकी बात भी कर लेता हूँ। अलवर में भी हमारा स्कूल है CHS CLC हाई स्कूल, वहां भी आप देखें हमारा बेटा शैलेंद्र जिसका 12th साइंस में 500 में से 497 का स्कोर आया है, उस बच्चे की भी दोस्तों यहां पर 4th रैंक है। तो अलवर में एक अच्छा स्कूल हमारा CHS का, वही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों मीडियम, वहां केवल साइंस विंग है। और सीकर में श्रेष्ठ स्कूल CBSE का आप ये देखें CIS है, तो नर्सरी से लेकर 12th तक है, यहाँ आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है। उसके बाद आजकल आप जानते हो कि बच्चे कहते साहब 6, 7, 8, 9, 10 में हम केवल स्कूल नहीं करना चाहते, हमें थोड़ा सा प्रशांत मीणा की तरह और नॉलेज भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए। इसके लिए हमारा स्कूल है CHS CLC हाई स्कूल। और सीकर में जहां आप खड़े हैं CLC, इसके 40 किलोमीटर रेडियस में हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, CIS की भी है, KVM की भी है, CHS की भी है। कहने का अर्थ ये दोस्तों, नर्सरी से लेके 12th तक आप बच्चों को जिस भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता आपको है, तलाश आपको है, वो हम पूरा करेंगे। बाकी आप जानते हो नीट JEE ND की तैयारी आपकी CLC करवाती है, इसके कारण आप पहचानते हो CLC को। ओके दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने वीडियो देखा, मैं एक ही बात कहूंगा, आओ मिलकर सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं और शैलांशी की तरह, अक्षता की तरह, देवी की तरह सपने पूरे करते हैं। नमस्कार, जय CLC।